साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर शंकर ने बीते दिन ही अपनी सुपरहिट फिल्म अन्यन के हिंदी रीमेक का ऐलान किया था, जिसमें रणवीर सिंह मुख्य किरदार निभाते दिखेंगे। रणवीर सिंह और डायरेक्टर शंकर की साथ में ये पहली फिल्म है जिसे बड़े स्तर पर बनाया जाएगा, लेकिन फिल्म के ऐलान के साथ ही अब इसके साथ एक बड़ा विवाद जुड़ गया है और मामला कोर्ट में जाने को तैयार है। असल में अन्यन के निर्माता ने डायरेक्टर शंकर को नोटिस भेजकर चेतावनी दी है कि अगर वो अन्यन का हिंदी रीमेक उनकी इजाजत के बिना बनाते हैं तो वो उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। निर्माता वी रविचंद्रन ने अपने नोटिस में लिखा है कि शंकर ने उनसे अन्यन का हिंदी रीमेक अनाउंस करने से पहले इजाजत नहीं ली, जो कानूनी रूप से गलत है। वी रविचंद्रन ने साल 2005 में अन्यन नाम की फिल्म बनाई थी जिसमें विक्रम और प्रकाश राज जैसे कलाकार थे। वहीं रविचंद्रन ने अपने स्टेटमेंट में लिखा है, मुझे ये जानकर बहुत शॉक लगा है कि आपने अन्यन के हिंदी रीमेक का अनाउंसमेंट कर दिया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फिल्म अन्यन का निर्माता मैं हूँ। फिल्म की कहानी के सारे राइट्स मेरे पास है जो मैंने लेखक सुजाता से खरीदे थे। मैंने सुजाता को पूरे रुपए चुकाए हैं जिसके सबूत भी मेरे पास है। मेरे पास अन्यन के सारे राइट्स हैं। ऐसे में मेरी इजाजत के बिना फिल्म की कहानी चुराना या उसका रीमेक बनाना गैर कानूनी है। और अब रविचंद्रन के स्टेटमेंट के बाद रणवीर सिंह और शंकर क्या कदम उठाते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा और दोनों की तरफ से आधिकारिक बयान आना अभी बाकी है।